दार्जिलिंग विधानसभा उपचुनाव चुनाव में तृणमूल समर्थित उम्मीदवार विनय तामाङ को टक्कर देने के लिए विमल गुरुंग और जेएनएलएफ समर्थित नीरज जिम्बा भाजपा की टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव के बाद से ही पहाड़ पर राजनीति काफी उलटफेर चल रही थी। इसी उलटफेर के बीच दार्जिलिंग विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार को लेकर फिर से एक बार उठापटक शुरू हो चुकी है। एक और राज्य सरकार के समर्थन से विनय तामाङ विधानसभा चुनाव के मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतरे तो दूसरी तरफ विमल गुरुंग गुट और जेएनएलएफ सहित अन्य कई स्थानीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर भाजपा की टिकट से नीरज जिम्बा को चुनाव के मैदान में उतारा गया है। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकार सम्मेलन करते हुए विमल गुरुंग गुट और जेएनएलएफ के सदस्यों ने बताया कि पहाड़ से विधानसभा चुनाव में विनय तामाङ के विरुद्ध नीरज जिम्बा को भाजपा के टिकट पर उतारा जाएगा। जेएनएलएफ सहित अन्य गठबंधन पार्टी के साथ बैठक में नीरज का नाम तय होने के बाद आज उनका नाम को भाजपा के अध्यक्ष के पास दिल्ली में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली से उनके नाम की स्वीकृति मिलने के बाद वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। एक कंसेंसस कैंडिडेट तैयार किया है तो तैयार करके वो नाम को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास वो नाम को भेज दिया और कई क्षणों में वो नाम का अप्रूव हो जाएगा। तो हमारा जो कैंडिडेट है हम अभी उसका नाम बताना चाहते हैं, श्री नीरज जिम्बा तामाङ जी को। हम लोगों का साझा उम्मीदवार दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो फर्दर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर स्पोक्स पर्सन फ्रॉम जीजीएमएम बजेडाई जी है, वो थोड़े से शब्द आप उनके पास रखें। Talking about no, BJP, yeah, BJP, what BJP does in the Northeast, what BJP does anywhere, I don't know. What BJP has done for the Gorkhas by carrying our two major issues. BJP ka manifesto mein Gorkhaon ko itna samman ke saath ek jagah diya hai. Ram Mandir ka mudda se aage hum log ka Gorkhaon ka specify kya hai. Ram Mandir 36 page mein, hamara 34 number page mein hai. Aur BJP ka manifesto padho. तो बिहारी के लिए नहीं बोला है, मराठी के लिए नहीं बोला है, नागा के लिए नहीं बोला है, गुजराती के लिए नहीं बोला है, इवन बंगाली के लिए नहीं बोला है, लेकिन गोरखा के लिए रेफोरेटिकल रेजोल्यूशन लिया है। तो बीजेपी हाइज इन इज मैनिफेस्टो। और भारत में इतना प्रधानमंत्री था, इतना प्रधानमंत्री हमने देखा, जवाहरलाल नेहरू से हमने मनमोहन सिंह तक देखा, तो कोई भारत का प्रधानमंत्री ने गोरखाओं का सपना मेरा सपना बोल के नहीं कहा था। पहली बार प्रधानमंत्री आया उसने बोला है। But don't you think that the regional parties like GNF and... The regional parties will always remain. Yeah, the future is not at all at stake. There is a chance. The BJP has given chance for the regional parties to grow. Yeah, first the confirmation will come from the headquarters, BJP headquarters. The proposal has gone to Amit Shah ji. Then I believe. Any assurance, sir, about the senior leaders coming for your